लिखे। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये सब कुछ मैं होने नहीं दूंगी। तुम्हारी असली सबके सामने खोल के रख दूंगी। तुमने क्या समझा था? बेवकूफ हूँ मैं? इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं, समझे तुम? हो गया, कुछ और भी रह गया तो वो भी कह दो तुम। अगर तुमने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना, ना मैं आज ही बात करता। तुम्हारी अम्मी की तबीयत तो संभलने का नाम ही नहीं ले रही, ये बात तो मैं एक जमाने से सुन रही हूँ। अमरा प्लीज, तुम मुझे सच सच बताओ, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो कि नहीं? असल मैं एक सच्चा और खरा जवाब चाहती हूँ, हाँ कि ना? मैं कल ही अम्मी से बात करूंगा। कल हम तुम्हारे घर नहीं आ रहे, और अगर आए तो शाजिया के लिए नहीं, तुम्हारे रिश्ते के लिए आएंगे। और अगर तुम्हारी अम्मी नहीं मानी तो? अगर ऐसा हुआ तो तुम भाग कर शादी कर लेना। मैं ये शादी नहीं कर सकता, मैं किसी और को पसंद करता। तुम्हें एहसास भी है? तुम क्या कह रहे हो? प्लीज प्लीज मुझे समझने की कोशिश करें। जीते जी जो तुम चाह रहे हो ना, मैं होने नहीं दूंगी। मेरे मरने के बाद तुम्हें जो करना है कर लेना। जो शख्स अपने मरे हुए बाप आज 4 बजे हमें जाना है, और अगर तुम मेरे साथ नहीं गए तो मुझे तुम्हारा जवाब मिल जाएगा, लेकिन फिर तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखना। मैं किससे बात? अम्मी क्या लगा था तुम्हें मर गई हूं मैं? कहा था ना मैंने तुम्हें कि तुम्हारी खुशी देखे बगैर मैं इस दुनिया से जाने वाली नहीं। मम्मी प्लीज ऐसी बातें मत करें, आप जो चाहती हैं जैसा चाहती हैं मैं करूंगा। वक्त ना मेरा है, बेवजह ही कैसा दर्द ये मिला है, दर्द ये मिला मेरे रांझना महफिल से रूठ न जा। कुछ भी कह दे मुझे, नजरों से देखिए मेरे रांझना पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।